अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अजी साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है, हम पेज नंबर 63 तक हम बात कर चुके हैं, ठीक है। यानी जो जंगे ओहद हो रही थी, अगर हम जंगे ओहद की बात करें ओहद की जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में हम लास्ट तक पहुंच चुके थे, ठीक है। इस लड़ाई में क्या हुआ और कहां से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते थे, हमने वो सारे आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब हम इसमें जो पेज नंबर 63 पर आजमाइश का एक सबक, आजमाइश का एक सबक, ठीक है, ये पेज नंबर आपका 63 पर मेंशन ये बात है कि आजमाइश का एक सबक। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे ये बात आपकी ठीक, आपको पता, मैंने बता दिया है पहली वीडियो में कि उहद की लड़ाई में जो सरदार था जो मुशरिकों की तरफ से, वो कौन था, अबू सुफियान था, अबू सुफियान था, ठीक है। इस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि उहद की लड़ाई में मुशरिकों की तरफ से कौन सरदार था, तो अबू सुफियान था, और बहुत सारी फौज इनके पास थी, फिर भी बहुत थोड़े से मुसलमान जो है इसके बहुत थोड़े से मुसलमानों ने अबू सुफियान के पैर उखाड़ दिए थे, यानी उनको वहाँ से भगा दिया था। हार बेशक हुई थी, मैंने आपको बताया था कि वो हार का रीज़न क्या था, जो तीर अंजाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर मुकर्रर किए थे, वो जब उन्होंने देखा कि चलो ठीक है फतह तो हो गई है, तो वहाँ से हट गए थे। असल में यहाँ एक सबक अल्लाह रब्बुल इज्जत देना चाह रहा है कि अगर आप नबी की ना मानोगे तो इसमें ये नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि वो जो हार थी वो बाद में जीत में भी तब्दील हुई थी, इस पर हमने बात कर ली थी, ठीक है। अब बस इस वाले जो पेज आजमाइश का जो सबक है, इसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगली बात, एक अगला टॉपिक है, अल्लाह मुझे तुझसे बचा सकता है, अल्लाह मुझे तुझसे बचा सकता है, ठीक है। ये क्या है, यानी ये जो टॉपिक है इसमें क्या बात है, इसमें ये बात है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से रवाना हो गए थे अपने साथी मुसलमानों के साथ, तो ऐसा हुआ कि खबर आने लगी, मतलब इधर उधर से खबर आने लगी कि कुछ लोग जो है लड़ने के लिए पहले से पहले इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। अल्लाह के नबी ने जो ये मतलब मदीने से रवानगी शुरू की थी, तो मालूम चल गया था कि कुछ लोग जो है लड़ने के लिए पहले से पहले लड़ रहे हैं। तो अब क्या होता है, अब होता ये है कि अल्लाह के नबी ने बहुत सारी जमातें इधर उधर भेजी कि कुछ खबर मिल जाए, हालांकि कुछ खबर नहीं मिली थी। तो इस मौके पर जब अल्लाह के नबी ने उहद की लड़ाई ख़त्म हो गई थी और इसके बाद जब मदीने से रवानगी की, तो इस मौके पर सबसे पहले खौफ की नमाज़ पढ़ी गई थी, ठीक है। और खौफ की नमाज़ ऐसे पढ़ी गई थी कि कुछ लोग तो नमाज़ पढ़ते और कुछ लोग उनकी देखभाल करते, फिर वो लोग नमाज़ पढ़ते तो उनकी देखभाल करते, ठीक है। इस तरह जो है इन्होंने पहले खौफ की नमाज़ पढ़ी थी। अब जैसे रास्ते में वापस हुए, अब यहाँ मतलब दोपहर का वक्त था, तो साथियों ने आराम करने के लिए जो है कहीं पर रुक गए, तो इस दौरान जो है एक दो असुर नाम का आदमी था जिसका नाम था दो असुर, ठीक है। अब इसने देखा कि अल्लाह के नबी आराम कर रहे हैं, ये आया और ये तलवार तान कर खड़ा होगा कि अब बता तुझे मुझसे कौन बचा सकता है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह मुझे तुझसे बचा सकता है, एकदम उसके हाथ कांपे, तलवार छूट गई, अल्लाह के नबी ने तलवार अपने हाथ में ली, अब कहा कि अब बता तुझे कौन बचा सकता है। तो ये आदमी तभी क्या हो गया था, ये मुसलमान हो गया था इस दौरान, ठीक है। तो क्वेश्चन अब यहाँ से कैसा आएगा, बात समझ में नहीं आ रही है कि क्वेश्चन कैसे बने। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा सिंपली कि वो आदमी, उस आदमी का क्या नाम है जिसने जो तलवार लेकर सीना तान कर खड़ा हो गया था,
कि अल्लाह के नबी बताओ आपको कौन बचा सकता है। ठीक है, तो वो कौन था? दो असद था। ठीक है, अब यहां से हटकर एक मऊना के कुएं पर पहुंचे। यहाँ की बात, यहाँ क्या क्या बात है, ये जो टॉपिक है ये आपका पेज नंबर 64 पर ये टॉपिक आपका मेंशन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो किस्सा है असल में ये 4 हिजरी का है। 4 हिजरी की हिजरत के बाद हिजरी शुरू हो गई थी और लगभग 625 ईस्वी की बात है। ठीक है, तो इस दौरान क्या था कि यहाँ उहद की लड़ाई को हुए हुए लगभग हम देखे तो 4 महीने हो चुके थे। कितने महीने हो चुके थे? 4। ये सफर का महीना था। महीना किसका था? सफर का महीना था। अब इस दौरान क्या होता है, इस दौरान जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीले से एक आदमी आया जिसका नाम था अबू बरा आमिर बिन मालिक। अबू बरा आमिर बिन मालिक, ठीक है, ये उस आदमी का नाम था जो अल्लाह के नबी के पास आया था। और इसके कबीले का नाम क्या था, इसका जो कबीला था वो आमिर था। कबीले का नाम क्या था? आमिर था। ठीक है, इस आदमी को ये जो आदमी है अबू बरा आमिर बिन मालिक, इसको नेजबाज भी लोग कहते थे, नेजबाज। ठीक, इसकी ये उपाधि आप मान लीजिए। तो जब ये आप के पास आए तो अल्लाह के नबी ने वो इसे इस्लाम की दावत दी। ठीक है, और तो अब इसने क्या काम करा, इसने अल्लाह के नबी सल्लम से कहने लगा कि बात तो आपकी अच्छी है, और उसने ना इनकार किया ना ही इकरार करा। कहने लगा बात तो अच्छी है, ऐसा कीजिए कुछ लोगों को कबीले में भेज दीजिए और मेरा ख्याल है कि इसका बहुत अच्छा असर होगा। यानी क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि अबू बरा आमिर बिन मालिक ये किस कबीले का था, आप बताएंगे आमिर कबीले का था। ठीक है, या नेजबाज किसे कहा जाता है, अबू बरा आमिर बिन मालिक को कहा जाता है। ठीक, दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से। दूसरा ये है कि अबू बरा बिन मालिक आमिर बिन मालिक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात कहाँ पर हुई, मऊना के कुएं पर हुई। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो इसके कहने पर, क्योंकि इसने तो ना तो इस्लाम धर्म कबूल किया था ना ही कुछ, इसके कहने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुंजिर बिन अम्र है, मुंजिर बिन अम्र ये एक सहाबी हैं, एक सहाबी हैं ये। ठीक है, इनकी रहनुमाई में एक जमात को भेज दिया, जाओ आप वहाँ पर जो है दीन की दावत दो। और ये जो थे ये कुरान के हाफिज थे, कुरान के क्या थे, हाफिज भी थे। ठीक, तो जब आप सल्लम ये लोग जब मऊना के कुएं पर पहुंचे, कोई 70 आदमी होंगे इस ग्रुप में, जब ये साथ गए थे लगभग 70 के करीब ये लोग थे, तो वहां से एक आदमी को आमिर बिन तुफैल के पास खत लेकर भेजा। ये जो और ये जो आमिर बिन तुफैल था ये उस आमिर कबीले का क्या था, ये आदमी था। ठीक है ना, जब इसके पास भेजा तो इसने जो है खत को फाड़ दिया और ना ही मतलब खत जो था उसको पढ़ा तक नहीं बल्कि फाड़ दिया था। अरब और सारे दुनिया के खिलाफ रिवाज के खिलाफ उनको शहीद कर दिया। यही नहीं बल्कि हिमायती दूसरे कबीलों को आवाज़ दी कि आओ इन सबको घेर लो। आमिर कबीले के लोग इस पुकार पर ना आए, अलबत्ता दूसरे लोग टूट पड़े। यानी और जो लोग थे वो आए तो नहीं थे, जो ये है मुंजिर बिन अम्र
इन्होंने जो खत लेकर भेजा था उसको भी मार दिया, और कबीले को मतलब जो खत था उसको पढ़ा तक भी नहीं था। तो ये सब क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, ये सब क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो एक साहब थे अमर बिन उमैया, क्या नाम था उनका, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है, उनका नाम था अमर बिन उमैया, ये सहाबी हैं एक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, ये बस अकेले ये बच गए थे। लोग पता नहीं इनको कैसे छोड़ गए थे, मतलब इनमें हल्का हल्का सांस था, बस अल्लाह की नज़र सीधी थी कि लोग इनको छोड़ कर चले गए थे, बाकी सबको क्या कर दिया था, मार दिया था। तो बस यही बचे रह गए थे, बाकी सब क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। क्वेश्चन कैसा आएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आमिर कबीले के लिए जमात भेजी थी उसमें कौन आदमी रह गए थे, तो कौन, बस केवल अमर बिन उमैया रह गए थे। वो जमात किसके, वो जमात जो गई थी किसकी रहनुमाई में गई थी, वो मुर्जिद बिन अमर की रहनुमाई में गई थी, और ये क्या थे, ये एक हाफिज थे, कुरान के हाफिज थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो यहां से आपको बस ये बात यहां रखनी है कि जो मैंने आपको बताया है कि कौन आदमी अल्लाह के नबी से मिला, उसका नाम क्या था, ठीक है, और हालांकि उसने दीन को कबूल नहीं किया था, लेकिन उसके कहने पर अल्लाह के नबी ने इन सहाबी को 17 आदमियों के साथ भेज दिया था, और इन सबको उन्होंने कत्ल कर दिया। केवल कौन बचे थे, अमर बिन उमैया बचे थे, ठीक है। तो ऐसे सहाबी जो वो कौन से सहाबी हैं जो दावत देने के लिए गए थे और उन सबका पूरी जमात का कत्ल कर दिया और वो अकेले बचे रह गए थे, वो अमर बिन उमैया हैं, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब आगे यह है कि मतलब सफर की आखिरी मंजिल, सफर की आखिरी मंजिल, मतलब मैं आपको अभी जो मैंने आपको बताया था कि मौना के कुएं पर 4625 ईस्वी में पहुंचे थे, ठीक है ना। तो अब इस ये जो सफर अल्लाह के नबी ने शुरू किया था, जो मदीने से रवानगी की थी, ये तो जब मदीने से रवानगी में ये वाला जो मौना का कुएं वाला मामला है, ये इसमें बीच में पेश आया था, ठीक है ना। और वो जो है मुंजिर बिन अम्र, जिनकी रहनुमाई में जमात भेजी थी, वो मौना के कुएं पर गई थी। तो क्वेश्चन, अब लैंग्वेज कुछ इस तरह मेरे समझ में आई, ऐसा बन सकती है कि मौना के कुएं पर भेजी की जमात में ऐसे कौन से साहबी हैं जो बच गए थे। तो कौन से साहबी हैं, वो मैंने आपको बता दिया, उनका अमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो सफ़र के आखिरी मंजिल मौना के कुएं पर जो हाफिज शहीद हुए, आमिर बिन फहरा भी उनमें, आमिर बिन फहरा भी थे, जो आमिर बिन फहरा हैं, यानी जो आपसे मैंने क्लास में बताया था कि आमिर बिन फहरा कौन है, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम हैं, ठीक है। मक्का के मुशरिकीन बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाते थे, अल्लाह के उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या करा, इनको खरीद कर आज़ाद कर दिया था, ठीक है। अब चलते हैं, अगला टॉपिक है इसमें आस्तीन के सांप। इस वाले टॉपिक में सिर्फ यही बात है जो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, इसमें जिक्र आया है किसका, आमिर बिन फुहरा, ठीक है। और मैंने बता दिया कि आमिर बिन फुहरा जो थे ये गुलाम थे, किसके गुलाम थे, ये गुलाम थे हजरत अबू बकर के, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि आमिर बिन फुहरा कौन थे, या आमिर बिन फुहरा किसके गुलाम थे, तो हजरत अबू बकर के गुलाम थे, ठीक है। अब ऐसा है, आस्तीन के सांप जिस वाले हेडिंग पे हम चलते हैं, ये आप देखेंगे पेज नंबर 66 पर आपको मेंशन की हुई है,
पेज नंबर 66 पर है ये। तो इसमें आपको ज़्यादा बात मतलब ध्यान नहीं रखनी है, बस ये है कि अब जैसे जैसे लाख नबी बढ़ रहे हैं, समय बीत रहा है, तो लोगों ने अब एकजुट, यानी जो यहूदी थे उन्होंने एकजुट होना शुरू कर दिया है। अब एक नया समझौता यहूदियों ने एक खानदान के साथ किया, बनू कुरैज़ा के साथ, बनू कुरैज़ा, ठीक है, इसके साथ समझौता कर लिया। और आखिरकार बनू नज़ीर के जो किले थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत थे, वो इसी घमंड में थे और करते थे कि मतलब हमारे किले बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। एक खानदान था बनू नज़ीर, कौन सा था ये, बनू नज़ीर। तो बनू नज़ीर के जो किले थे इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जून, यानी जून का महीना और 625 ईस्वी में क्या कर लिया था, इसका घेर लिया, ठीक है ना। और ये किले को घेरा किसने था, ये आप सल्लम ने घेरे थे। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा कि बनू नज़ीर की कबीले को कब घेरा अल्लाह के नबी ने, जून 625 ईस्वी में घेरा था, ठीक है ना, बात ठीक है। जैसे ही अल्लाह के नबी ने इनको मतलब घेर लिया, लगभग दो महीने ऐसे ही बीत गए कि मतलब ये अपनी अकड़ में रहे, आखिर जाकर फिर इनमें क्या हो गया, समझौता हो गया था और ये बात तय हो गई कि आप यहाँ से सिर्फ औजार को छोड़ करके अपने बाकी सारा सामान ले जा सकते हैं। तो ये लोग इतने निकम्मे थे कि इन्होंने दरवाजे और ईंटें वगैरह भी मतलब उस जगह को रहने लायक भी नहीं छोड़ा था, उसको सबको ख़राब करके ये लोग चले गए थे। और वो इन्होंने इसलिए करा ताकि इसका ये मुसलमान फ़ायदा भी ना उठा सके, यानी जिस जगह में बनू नज़ीर था, बनू नज़ीर रहते थे, ये बनू नज़ीर एक कबीले का नाम है, ठीक है, ये लोग रहते थे, इसका अल्लाह के नबी ने घेरा जून 625 ईस्वी में, ठीक है। तो अब जब इनसे समझौता हो गया था तो इनसे कहा कि आप केवल औजार छोड़ दें और बाकी सब सामान ले जा सकते हैं। तो ये ईंटों को तो तोड़ गए थे और खिड़की वगैरह दरवाजे वगैरह सब कुछ यहाँ से लेकर चले गए थे, यहाँ तक कि जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई थी सबको बर्बाद कर गए थे, जिससे कि मुसलमान भी क्या करें, यहाँ फ़ायदा ना उठा सके, ठीक, कोई दिक्कत किसी को। अब आगे देखते हैं खंदक की लड़ाई, खंदक की लड़ाई। अगर हम खंदक की लड़ाई की बात करें जो ये खंदक की लड़ाई शुरू कैसे होती है, असल में जिन यहूदियों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से निकाल दिया था, अब वो कुरैश से आके मिल गए, ठीक है, और कुरैश से आके उनको उल्टी सीधी बातें पढ़ाई कि वो जो हैं कुछ इस तरह की बातें करते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको गलत कहते हैं, बुत पूजा को गलत कहते हैं। और ऑलरेडी पहले से ही ये जो आपके मक्के वाले लोग थे अल्लाह के नबी के खिलाफ थे, तो उन्होंने अल्लाह के नबी से क्या कर लिया, समझौता कर लिया था, ठीक है, बात समझ गए नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो खबर मिली, ऐसे ऐसे वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं और यहूदियों ने वहाँ जाकर वो कर लिया था, अब अल्लाह के नबी ने साथियों इकट्ठा किया और मशवरा किया, क्योंकि अल्लाह के नबी की एक आदत थी अपने साथियों से मशवरा करना, ठीक है ना। तो एक थे सलमान, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला, ठीक है, ये जो थे इन्होंने राय दी, इनकी राय थी कि शहर के आसपास खंदक खोद ली जाए। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि खंदक खोदने की राय किस सहाबी ने दी थी, तो वो थे सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे सहाबी थे जिन्होंने खंदक खोदने की क्या दी थी, राय दी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ये सलमान है, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, ये फारस के रहने वाले थे और इसी वजह से इनका नाम पड़ गया क्या, सलमान फारसी,
सलमान फारसी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत किसी को? यानी फारस के रहने वाले थे। क्वेश्चन कितने बनेंगे? तीन, के खंदक खोदने की राय किस साहब ने दी? हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ के रहने वाले थे? फारस के रहने वाले थे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है बाकी, और अब जब फारस के रहने वाले हैं इसी के नाम पर इनको कहा जाने लगा कि सलमान फारसी, ठीक है। तो अब क्योंकि खंदक खोदने की राय इन्होंने दी थी, इन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि जो यूनान के लोग थे, यूनान के और फारस के आपस में आए दिन लड़ाई होती रहती थी, तो ये अच्छे तरीके से जानते थे। अब अल्लाह के नबी ने ग्रुप बना दिए काम करने के लिए। तो अब आती बात आगे कि हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस ग्रुप में, किस टोली में रखा जाए। तो इनके ऊपर लोग कोई अपनी तरफ खींचता, कोई अपनी तरफ खींचता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पर कहा था कि सलमान फारसी हमसे हैं और हम सलमान फारसी से हैं, ठीक है ना। तो इस समय पर सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में कह दी थी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो, हमने देखा एक तो जो मदीने के यहूदी ठीक है, एक आपका बनू कुरैजा जिनके साथ इन्होंने आकर समझौता किया था, दूसरा मुशरिकीन मक्का, ठीक है, और एक और कबीला था जिसका नाम था गतफान। तो ये सारे लोग एक जगह जमा हो गए मदीने से, क्योंकि यहूदियों को निकाल दिया गया था, ये बनू कुरैजा से इन्होंने जाके कर लिया था समझौता, और मुशरिकीन मक्का यानी मक्के के लोगों से भी इन्होंने आके फिर उल्टी सीधी बात बताई, जिससे कि वो भी तैयार हो गए, और एक कबीला था गतफान, इससे भी लास्ट में जाके क्या कर लिया था इन्होंने। तो इनकी कुल तादाद अगर हम देखें यहाँ पर लगभग कितनी थी, कुल तादाद लगभग 10,000 के करीब थी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं फिर थोड़ा सा, लेकिन जैसे आप थोड़ा आगे चलेंगे इस किस्से को थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैंने हालांकि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, पेज नंबर 71 की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, तो इसमें क्या इन आपस में इन्होंने फूट पड़ेगी, आपस में फूट पड़ेगी, तो ये आपस में जो है कुछ इधर उधर भागेंगे। अब क्या है कि लड़ाई के दौरान एक बहुत दिलचस्प किस्सा हमारे सामने आया कि हसान बिन साबित, नाम आपने सुना होगा, क्या नाम था उनका, हसान बिन साबित, ये एक सहाबी है रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। ये क्या थे? शायर थे। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि हसान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? शायर थे, हाफिज थे, कुछ इस तरह ऑप्शन देगा वो, तो ये शायर थे, ठीक है। इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बहुत अच्छी अच्छी शायरियाँ की हैं और लोग इन्हें जानते भी थे, ठीक है। जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे शायरियों में, तो उसका बहुत अच्छे अंदाज में जवाब देते थे हसान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, जब ये चल रहा था तो हजरत सफिया जो प्यारे रसूल की फूफी हैं, सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन थी? ये थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, ये है। तो क्वेश्चन यहां से बना के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी का नाम क्या है? सफिया था, ठीक है। और हसान बिन साबित कौन है? ये थे एक शायर। अब सफिया और कुछ
और भी बहुत से औरत और बच्चे एक किले में क्या थे, बंद थे, एक किले में बंद इनको रखा हुआ था लकड़ी ने यहाँ पर इस तरह। और इसकी निगरानी में, इसकी निगरानी में कौन थे, हसान बिन साबित रजी अल्लाह तआला थे। तो आप समझिए यहाँ से बात को, यहाँ से बात समझिए कि हसान बिन साबित को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर कर दिया कि ये थोड़ा किले से बाहर, मतलब मदीने से बाहर की जगह है वहाँ पर। तो सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को थोड़ा डाउट हुआ कि कोई किले का चक्कर काट रहा है और सब लोग तो बाहर गए हुए हैं। तो इन्होंने आकर किससे कहा, हसान से, आप देखिए कि एक आदमी है ऐसे से वो चक्कर काट रहा है। तो इन्होंने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, क्योंकि सफिया जो थी ये अब्दुल मुत्तलिब की बेटी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है ना, तो ये काम मुझसे नहीं होगा। ये किसने कहा, हसान बिन साबित ने, ये काम मुझसे नहीं होता। अब इनकी बहादुरी देखिए, इनकी आप बहादुरी देखेंगे कि ये गई और उसको मारा, और मार कर फिर आई कहा कि जाओ उसको बाहर फेंक दो, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं रहने दो। तो इसका मतलब ये यहाँ सी बात और हमें समझ में आ जाती है कि हमारे जो मुस्लिम, जो हमारे मतलब औरतें हैं, जो बहनें हैं, इनको कहीं ना कहीं ताकतवर भी होना चाहिए, ठीक है ना। आप देखते हैं ना कि एक आदमी का कत्ल करना, एक आदमी को मार देना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं थी, लेकिन सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उसका कत्ल कर दिया था। तो यहाँ से बस ये बात ध्यान रखनी है कि खंदक की लड़ाई में ये सारे लोग जो आपस में मिले हुए थे, इनमें फूट पड़ गई, लगभग 10,000 इनकी तादाद थी। हसान बिन साबित कौन थे, ये एक शायर थे। हस सफिया कौन थी, अल्लाह के रसूल सम की फोफी थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दी है कि इन दुश्मनों में फूट पड़ गई थी, इनमें क्या पड़ गई थी, फूट आपस में पड़ गई थी, और फूट भी ऐसी पड़ी थी कि मतलब ये एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। अब हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के इंसान ने भेजा कि जाओ देखो कि दुश्मन का क्या हाल है, ठीक है। तो गतफान कबीले वालों को कुरैश का हाल मालूम हुआ तो वो भी अपना सामान समेट के चले गए, मतलब ये सारे लोग एक दूसरे से बिखर गया, कोई एक दूसरे की मदद करना नहीं चाह रहा था। तो जैसे ही ये मतलब लड़ाई हुई थी, तो इस लड़ाई के बाद फिर कोई छोटी बड़ी झड़पें तो चलती रही, छोटी छोटी, लेकिन कोई ऐसा बड़ा मामला पेश नहीं आया था, क्योंकि ये एक इस्लाम के लिए बहुत बड़ी जीत थी कि इतने बड़े ग्रुप को बिल्कुल समेट देना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है वादा खिलाफी की सजा, ये टॉपिक है वादा खिलाफी की सजा, पेज नंबर 75। इसमें क्या है कि खंदक की लड़ाई में जो बनू कुरैज़ा खानदान था, यहूदियों की लड़ाई के वक्त धोखा दे दिया। मैंने आपको बताया कि यहूदियों ने बनू कुरैज़ा से समझौता किया था, लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो उसने क्या दे दिया, उसको धोखा दे दिया। वादे के खिलाफ मदीना पर हमला करने वालों के साथ हो गए, वे पड़ोस में रहते थे, इसलिए उनको हर वक्त ये खतरा रहता था। इसलिए उस दिन असर की नमाज के वक्त आप ने बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ बस्ती में पुकार आओ, अल्लाह और उसके रसूल का जो मानने वाला हो उस पर लाजिम है कि वो असर की नमाज बनू कुरैज़ा की आबादी में पढ़े, ठीक है ना। तो अब क्या था, लोग मस्जिद नबी में नमाज ना पढ़कर उसकी तरफ चल दिए कि बनू कुरैज़ा की तरफ। यहूदी जिसे देखो यहूदियों की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि लोग सारे वहीं पर इकट्ठा थे, कोई 3,000 आदमी और 36 घोड़े, हजरत अली के हाथ में झंडा था, ठीक है, लोग उधर गए थे। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह बन सकता है कि बनू कुरैज़ा में असर की नमाज के लिए जाते समय इस्लाम का झंडा किसके हाथ में था। तो इस्लाम के अगर हम झंडे की बात करें
तो वो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का, ठीक है, जिनको क्या यहूदी देखते के देखते रह गए थे। यहूदी किले में रहा करते थे और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ किले की दीवार पर जाकर उसकी जड़ में झंडा गाड़ दिया था। कोई मुहाजिर अंसार भी साथ थे, यहूदियों ने मुसलमानों को देखा, उनकी हिम्मत तक नहीं प्यारे रसूल, लेकिन क्या हुआ कि प्यारे रसूल की शान में गुस्ताखी उन्होंने शुरू कर दी। गुस्सा तो बहुत आया लेकिन ऐसी वापस आ गई और रास्ते में अल्लाह के नबी मिले कि कैसे नाराज़ कैसे गुस्से में, अल्लाह के नबी को सारा वाक्य सुनाया। अल्लाह के नबी ने कहा कोई नहीं, वो जब मैं वहाँ जाऊँगा तो उनकी हिम्मत नहीं होगी मेरे सामने कुछ कह लेंगे। तो मुसलमानों की फौज किलों के चारों तरफ घेरा डाले पड़ी रही। लगभग कोई 25 दिनों तक मुसलमानों की फौज उसके उस किले के इर्द गिर्द का उसने घेरा डाल रखा था। आखिरकार यहूदियों के हौसले क्या हो गए, पस्त हो गए, उन पर दिलों पर खौफ छा गया। अब उन्होंने क्या सोचा कि चलो अब जो है समझौता ही कर लेते हैं। तो आखिर जो बनू कुरैज़ा के यहूदी है और ओस कबीले के अंसारियों का बड़ा मेल रह चुका था, यहाँ पर साद बिन मुआज जो कि ओस कबीले के सरदार थे, इस फैसले को उनके सुपुर्द किया गया। ठीक है, यानी जो एक सहाबी हैं साद बिन मुआज, ये सहाबी हैं यानी कि जो बनू कुरैज़ा के जो यहूदी हैं, बनू कुरैज़ा में जो यहूदी थे, अब इनके साथ क्या करना है क्या नहीं करना उसका डिसीजन किसके ऊपर छोड़ दिया है, साद बिन मुआज। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि खंदक की लड़ाई में यहूद खंदक की लड़ाई में ये जो है साद बिन मुआज जो थे ना, ये ओस कबीले के सरदार थे, ओस कबीले के सरदार थे, तो खंदक की लड़ाई के समय ओस कबीले के सरदार कौन थे, हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, और बनू कुरैज़ा जाते समय, बनू कुरैज़ा असर की नमाज के लिए जाते समय झंडा किसके हाथ में था, इस्लाम का, हजरत अली के हाथ में था। और फिर अगला क्वेश्चन ये है कि यहूदियों का फैसला किसके सुपुर्द किया गया था, हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहूदियों के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है इसका फैसला कौन करेंगे, हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करेंगे। ठीक है ना, तो इस घेराव में सिर्फ एक मुसलमान शहीद हुआ था और उसका नाम है खल्लाद बिन सुवैद, खल्लाद बिन सुवैद। क्वेश्चन ये आएगा कि बनू कुरैज़ा में ये कुरैज़ा नहीं कुरैज़ा है, बनू कुरैज़ा में यहूदियों की किलेबंदी कोई 25 दिन तक हुई, लगभग 25 दिन तक रही। तो बनू कुरैज़ा में यहूदियों के किलेबंदी के बाद किस मुसलमान सहाबी का या किस सहाबी का इंतकाल हुआ था, वो थे खल्लाद बिन सुवैद रज़ियल्लाहु ताला। ठीक है ना, ये बात ध्यान है, सिर्फ एक ही, मतलब इस 25 दिन के घेरे में सिर्फ एक ही सहाबी का इंतकाल हुआ था और वह है खल्लाद बिन सुवैद। इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन के आने की, ध्यान रखना कि बनू कुरैज़ा में जो यहूदी थे उनके जब किले का घेरा किया था तो किले के घेरे में 25 दिन बाद लगभग एक सहाबी का इंतकाल हुआ था, उसका नाम क्या, खल्लाद बिन सुवैद। उस कबीले का सरदारी किसके हाथ में थी, साद बिन मुआज। ठीक है, और यहूदियों के साथ क्या करना क्या नहीं करना इसका फैसला कौन करे, किसके हाथ में दे दिया गया था, साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब है हुदैबिया का समझौता। हुदैबिया का समझौता पेज नंबर 77 पर है। ये क्या है,
जब आप सल्लम जो है काबे की ज्यारत के इरादे से मदीने की तरफ रवाना हुए, लड़ाई का मन ही नहीं था, मक्का को छोड़े हुए 6 साल हो चुके थे, ठीक है, बीच में ज्यारत या हज के लिए जाने के लिए आप सल्लम को मौका मिला तो आप सल्लम जाने के लिए तैयार हुए, रवानगी का इरादा करा, कुछ लोग साथ थे, कुछ कुर्बानी के जानवर भी साथ थे, कुछ मदीने से आप मिले थे, तो कोई 1400 या 1600 की जमात होगी जो आप सल्लम के साथ थी। ना कोई हथियार था, सिर्फ तलवार थी, और ये बात आप ध्यान रखना, मुसाफिर का हथियार कहा जाता था तलवार को, मुसाफिर का हथियार क्या था? तलवार थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मुसाफिर का हथियार अरब में, अरब वासियों में मुसाफिर का हथियार किसको? तलवार का, ये अरब में कहते थे, ठीक है, अरब में इसको कहा जाता था। तो आज हमने ये लगभग पेज नंबर आप देखेंगे पेज नंबर 78 पे है जो बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब इसकी मैं आपसे 2 क्लास और लगभग रह गई हैं जिसमें हम इसको 2 क्लास में पूरी किताब इंशाल्लाह हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें जो भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप इसको बताएं, और मैंने आपको जो क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ से उनको बताने की कोशिश की है, ठीक है। और इतनी भी उम्मीद है जिसने किताब पढ़ी होगी और लेक्चर को देखा होगा रियल में, उसके क्वेश्चन इंशाल्लाह छूटेंगे नहीं। तो आप कोशिश करें लेक्चर को भी देखें और किताब को भी पढ़ें, और अगर कोई से लेक्चर में कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको दोबारा कमेंट कर दें या कॉल करके बता दें कि अभी हमारी ये बात समझ में नहीं आई है, हम इसको दोबारा जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए आप लोग तैयारी कीजिएगा, 3 दिन बाकी हैं। अब जिसके एडमिट कार्ड नहीं है वो एडमिट कार्ड ले सकता है, ठीक है, स्कूलों में भी पहुँचेंगे जिसने जहाँ पर फॉर्म भरे थे, और सेंटरों पर तो जाएंगे ही जाएंगे, बाकी आप डायरेक्टली भी फ़ोन करके ले सकते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।